तो हेलो गाइज, आज है हमारे कॉलेज का स्पेशल डे, क्योंकि आज हमारे कॉलेज में इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी। तो चलिए इवेंट अटेंड करते हैं एंड आपको भी दिखाते हैं कि क्या यहाँ का दृश्य रहने वाला है। एंड अभी आए नहीं हैं, अभी जस्ट आने वाले हैं एंड आपको दिखाते भी है इनका एंट्री कैसे हो रहा है। एंड अभी कॉलेज में काफ़ी हलचल भी है, स्टूडेंट लोग वहाँ अटेंड करने को जा भी रहे हैं एंड अभी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही टाइट है। देखते हैं कि अलाउ करते हैं कि नहीं वीडियो शूट करना, एंड अगर वीडियो शूट करना अलाउ होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड पहली बार मैं भी किसी मिनिस्टर को मतलब सामने से देखूंगा कि हाँ मिनिस्टर लोग आए हुए हैं, उनका क्या जलवा रहता है एंड किस पर्पज के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर इस NIT राउरकेला में आ रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। ये अटेंड करने के लिए मैंने अपना घर जाने का जो टिकट था उसको कैंसिल किया है, क्योंकि कल ही हम लोग का एग्जाम खत्म हो चुका है एंड जब एग्जाम खत्म हो गया तो आज से ही छुट्टी चालू हो चुकी थी। इस इवेंट का जो सेटअप लगाया गया है वो हमारे दिलीप तुर्की स्टेडियम जो फुटबॉल स्टेडियम है वहाँ रखा गया है एंड सामने देख सकते हैं पूरा सिक्योरिटी जो है वो टाइट किया हुआ है। एंड फिलहाल अभी उनका जो एंट्री होगा वो आपको दिखाते हैं कि कैसा रहने वाला है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। एंड एक अलग वाइब आ रहा है कि जब कोई मिनिस्टर बड़े बड़े मिनिस्टर कॉलेज में आते हैं तो वहाँ का वाइब कैसा रहता है वो अभी हमको देखने को मिल रहा है। आप भी कभी कॉलेज आएंगे तो आपको भी देखने को मिलेगा ये। एंड वेट कीजिए गाइस, कुछ एक से दो मिनट वेट कीजिए, सर आ जाएंगे, जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो आ जाएंगे एंड ये सिटी हमारे पर डरा भी रहे हैं तो कुछ टाइम वेट कीजिए। एंड अगर परमिशन मिला तो मैं आपको नजदीक का शॉट भी दिखाऊंगा एजुकेशन मिनिस्टर जी के साथ का, लेकिन अगर वो हमको लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी देखता हूँ अगर जितना नजदीक जा सको एजुकेशन मिनिस्टर के उतना नजदीक जाऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा। एंड अभी देख सकते हैं इस कॉलेज कितना हलचल है एंड सिक्योरिटी लोग टाइट किए हुए हैं वो आप पूरे अच्छे से देख लीजिए। एंड इधर भी है, जगह जगह सिक्योरिटी तैनात कर दिया है, हर एक 100 मीटर पे 50 मीटर पे सिक्योरिटी तैनात है, दो दो सिक्योरिटी। यहाँ पे जगह जगह पोस्टर लगाया गया है, देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे लगाया गया है एंड यहाँ पे धर्मेंद्र चीफ गेस्ट धर्मेंद्र प्रधान जी का है, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री जीवल ओरम जी आ रहे हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री शरद प्रसाद नायक जी आ रहे हैं, श्री केशव राव गेस्ट ऑफ ऑनर। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल गेट बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड चलिए आपको ले चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि क्या भाई आ रहा है वहाँ पे। इस साइड गाड़ी पार्किंग है, गाड़ी पार्क किया गया है, सभी स्कूटी इस साइड पार्क किया गया है, वहाँ देख सकते हैं सामने। एंड शायद आ रहे हैं गाइस, तो जा रहे हैं आपको सामने से दिखाते हैं एंड साइड भी दिखाते हैं आपको। बहुत सारे गाड़ियां आ रही है देख सकते हैं। ये हमारे ट्रैक्टर सर हैं, ये पुलिस का गाड़ी है, कोई होंगे। एंड अब आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पूरा गाड़ी का काफिला लगा हुआ है एंड देख सकते हैं अभी भी आ रहा है गाड़ी, कितना गाड़ी आ रहा है। एक्चुअली एजुकेशन मिनिस्टर, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ यहाँ के लोकल MP MLA भी आए हुए हैं एंड उड़ीसा स्टेट के भी कुछ मिनिस्टर आए हुए हैं एंड कुछ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर लोग भी आए हुए हैं, तो इसलिए इतना गाड़ी का काफिला लगा हुआ है एंड बहुत लंबा लग गया। यहाँ तक देख सकते हैं गाड़ी जो है वो खड़ी हो चुकी है एंड इसके बाद यहाँ तक एंड पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, तो काफ़ी लंबा लाइन है देख सकते हैं। एंड चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं अब क्या हो रहा है आगे, देख सकते हैं यहाँ पे सभी गाड़ी है एंड वहाँ पे वेलकम किया जा रहा है एजुकेशन मिनिस्टर का, आप आवाज़ सुन रहे होंगे ढोल बाजे का। ये पुलिस लोग को देख लीजिए पूरा एकदम पावर में घूम रहे हैं अभी, चलते हैं और इधर से लिए हैं एंड आ गए हैं जहाँ स्टेडियम में एंड वहाँ पे बैंड बाजा बजाया जा रहा है, जो भी है वेलकम किया जा रहा है एंड
कारपेट सब मंगा हुआ है। आपको हम बैक कैमरा से दिखाते हैं, पहले आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरा एरिया है देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम रूम है गया है। उस साइड टेम्पोरी बाथरूम सबका प्रबंध किया गया है। आपको हम बैक कैमरा से दिखाते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ का जो भी मैनेजमेंट एंड कौन कौन आ रहे हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगे एक साथ में। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान आए हैं एंड शारदा प्रसाद नायक ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जुवल ओरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल एमएलए, करीबन 5-6 एमएलए आ रहे हैं, एक मिनिस्टर है उड़ीसा के लेबर मिनिस्टर, एम्प्लॉय एंड लेबर मिनिस्टर, उसके बाद एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं एंड मैन चीफ गेस्ट धर्मेंद्र प्रधान जी तो है ही। एंड गाइस फाइनली हम आ गए हैं मैन अपने इस जगह पे जहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है एंड यहाँ पे सभी लोग हैं। Our guest of honor, honorable member of parliament Sundargarh and chairman of parliamentary standing committee on defense, Sri Jual Ramji. सभी लोग बैठे हुए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, रीजनल ऑफिस, केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पे मीडिया लोग आए हुए हैं एंड इधर का दिखाते हैं आपको। पीछे भीड़ देख सकते हैं। श्री शंकर गौरव जी ऑनरेबल एमएलए भीमनगर। पीछे पुलिस लोग है देख सकते हैं, काफी अच्छा वाइब आ रहा है यहाँ का। पूरा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे, कुछ गेस्ट लोग भी है वो भी बैठे हुए हैं एंड यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं लाइन में एरिया में। अभी हम सबसे आगे वाले एरिया में हैं जो प्राइवेट एरिया है यहाँ का, यहाँ पे परमिशन लेके आना होता है, तो परमिशन ले लिए हैं एंड तब आए यहाँ पे। हमारे डायरेक्टर सर अभी भाषण दे रहे हैं यहाँ पे, दिखाते हैं आपको नजदीक से भी दिखाते हैं एंड हो सकता है तो मिस्टर सर लोग के साथ अगर नजदीक का शॉट मिलेगा मतलब सेल्फी मिलेगा तो वो आप मैं जरूर गाइड आपको दे दूंगा। फिलहाल आपको बैक के पास दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। चलिए आप बैक के पास देख लीजिए यहाँ का दृश्य कितना अच्छा लग रहा है। सामने स्टेज है एंड सभी मिनिस्टर लोग एंड एमपी एमएलए सब यहाँ पे बैठे हुए हैं देख सकते हैं आप। एंड अभी हमारे डायरेक्टर सर स्पीच दे रहे हैं, इधर का एरिया देख लीजिए। एंड सामने सभी स्टूडेंट लोग एंड गेस्ट लोग बैठे हुए हैं एंड इस साइड आते हैं भीड़ वाले एरिया में। फॉर स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर द गर्ल्स इंस्टीट्यूशन वांट्स टू एनकरेज द गर्ल्स स्टूडेंट्स टू कंसीडर। ये रिजर्व एरिया है प्रोफेसर लोग के लिए। इस साइड स्टूडेंट एरिया है यहाँ से सामने का दृश्य देखिए। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन हैज बीन द कंटिन्यूड एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स दिस एनएक्टिंग आवर थ्रू दिस इनिशिएटिव इज एम्ड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन ऑफ ऑल कम्युनिटीज belonging to all areas in and around NIT campus and help them to have a dream to grow. What cannot be done NIT Kanpur? NIT Kanpur is committed to ये पूरे सालों के लिए है।
रिजर्व एरिया है, छोटा मोटा प्रेस वाला तो मैं भी हूँ, मैं भी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाता हूँ, तो इसमें तो मेरा भी फर्ज बनता है। एबे आज मतलब से डायरेक्शन देखते केन्द्र विद्यालय संस्थान वाला दस एकर जगह से चाहूँ से कहते से हम नहीं खेल पड़िया कमन अच्छी बाकी फैसिलिटी कमन अच्छी तो से विचार करके कम जगार ये परिसर भितर केन्द्र विद्यालय होगा दरकार तक दृष्टि को आज दुईटा जिनस भी मुना पड़ी सेन्ट्राल रूम आम मंजूरी तार जमी अधिग्रहण हो पारे राज्य सरकार अच्छे कैंपस पाखे ये हबार अच्छे द्वितीय राउरकेला एयरपोर्ट रैंड आपंकर एक्विजिशन कर राज्य सरकार जिते बड़ पर्यटन एयरपोर्ट अथॉरिटी को देवे ना से request all of you to stand up and take place for the development of India because it's Bharatra Sankalpa Pai. Oh, my congratulations. मीडिया गाड़ी लगा हुआ यहाँ पे जगह जगह सिक्योरिटी को लगा दिया, हर एक फीट पे दो फीट पे सिक्योरिटी लोग है। अच्छा मैंने एनआईटी राउंड के लगे जो ये मेरा जैकेट है वो पहन के आया हूँ, तो बार बार हमको आईडी कार्ड दिखाना पड़ जाता है। बताने क्या है, कुछ तंबू लगा हुआ यहाँ पे अभी भी आपको दिख रहा होगा, पूरा ओपन है ताकि हवा अंदर जाए, कंजेस्टेड ना हो। चलिए पानी पी के आते हैं, ये वाटर रूम है इसे देख रहे हैं, इसमें वाटर बोतल लगा हुआ है, एक पानी पी लेते हैं अगर के यहाँ पे वाटर स्टोर करके रखा गया है, वाटर ले लिया हमने। वाटर जो है जी यहाँ पे जो मीडिया लोग हैं पहले से ही मिनिस्टर जी का इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी रहेंगे एंड आपको दिखाएंगे एंड जितना हो सके क्लोज सेल्फी हो सकता है सेल्फी ले लें उनके साथ, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग हैं मीडिया लोग भी हैं एंड चलिए देखते हैं कब आएंगे वो मंत्री जी एंड हिंदी में बोलिए ना, देख लेना हाँ। का मालिक मैं हूँ वो आप हेलीकॉप्टर फोकस यहाँ पे फायर ब्रिगेड है, यहाँ पे कुछ है बताने क्या है, क्या किस चीज का स्टॉल लगा हुआ तो हम लोग का जो हॉस्टल का जो मेस है यहाँ पे के लिए स्नैक्स का प्रबंध किया गया है एंड हमारे ये मेस सर है सर एंड अब खत्म होने वाली है ये जो भी स्पीच है उसके बाद यहाँ से भी हम भी लेंगे खाएंगे, भूख लग गया एक्चुअली वीडियो बनाते बनाते एंड अच्छा है सही है अपना जो मेस वाला अपनी तरफ से स्नैक्स का प्रबंध कर दिया है। तो गाइस एजुकेशन मिनिस्टर के आने का मेन पर्पज ये था कि हमारे कॉलेज एनआईटी राउरकेला में 5 से 6 बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हो रहे हैं, उसी के भूमि पूजन एंड शिलान्यास में वो आए थे, तो जैसे गर्ल्स हॉस्टल है बॉयज हॉस्टल है एंड बहुत सारे फैकल्टी रेसिडेंट्स बनेंगे एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाई जाएगी, तो उसी के शिलान्यास एंड भूमि पूजन के लिए ये एजुकेशन मिनिस्टर एंड बहुत सारे अदर मिनिस्टर लोग भी आए थे, एमपी एमएलए लोग आए थे एंड मैन तो एजुकेशन मिनिस्टर आए थे। तो गाइस फाइनली ये जो स्पीच था इवेंट था खत्म हो चुका है एंड मिनिस्टर लोग आ रहे हैं एंड बहुत भीड़ इनके पास देख सकते हैं सब स्टूडेंट देख सकते हैं। सभी लोग मिलकर
एंड काफी मजा आया गाइस एंड फाइनली हमने थैंक यू सर अभी हमको ये दिए हैं खाने के लिए स्नैक्स है इसमें ये हमारे सर है पार्टनर सर बहुत अच्छे हैं सिक्योरिटी का सर है ये साइकिल स्टैंड में हेल्प करते हैं थैंक यू सर एंड 9582853 भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं जब मेरे साथ बात करते करते इसमें आपने पूछा वीडियो आप लिए हैं कि नहीं ठीक है ठीक एंड मेरा YouTube चैनल है त्रिज्या जरूर सब्सक्राइब कर जी उस पे आएगा वो पूरा ठीक है मैं आपको टेक्स्ट भी करूँ हाँ ठीक है थैंक यू ठीक है सर कहाँ से है सर आप सर उड़ीसा पुलिस अच्छा है गाइस बहुत अच्छा लगा एंड फाइनली एजुकेशन मिनिस्टर सर के साथ भी हमने एक सेल्फी लिया एंड काफी अच्छा लगा मैं भी घुसा एंड सर को बोला सर स्टूडेंट एक सेल्फी चाहिए आपके साथ तो उन्होंने एक सेल्फी लेने दी एंड आप देख सकते हैं थोड़ा सेल्फी में थोड़ा ये होगा कहा कि बहुत ज्यादा भीड़ होता है ना तो इनका टेंशन यहाँ पे हमारे एनआईटी के सिक्योरिटी गार्ड भैया लोग पूरा हेल्प किए आज एंड यहाँ पे स्टॉल देख सकते हैं स्नैक्स का आप यहाँ से ले सकते हैं मुझको तो ऐसे ही मिल गए एक अंकल जी वो हमको दे दिए एंड यही था गाइस एंड आपको ये जो भी इवेंट था यहाँ पे वो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाय